हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स पर। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान का खाने पीने का शौक बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के हर इंसान से अलग चीजें खाना पसंद करता था। दरअसल ये शख्स ऐसी चीजें खाता था जिन्हें कोई आम इंसान खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिशेल फ्रांस के रहने वाले थे और उन्हें अजीबोगरीब चीजें खाने का शौक था। उनके शौक का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि वो पूरा का पूरा एक हवाई जहाज खा गए थे। बता दें कि फ्रांस के ग्रेनोबल में 15 जून 1950 को मिशेल लतीतो का जन्म हुआ था। लतीतो जब 16 साल के हुए तो उन्हें असामान्य चीजें खाने का शौक लग गया। उनकी इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में पीका कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग इंसानी खाने को पचा नहीं पाते, जबकि असामान्य चीजें खाकर आसानी से पचा लेते हैं। शुरुआत में लतीतो अपने नाखून से लेकर कांच के टुकड़े तक खा जाते थे जिन्हें वह आसानी से हजम कर लेते थे। बताया जाता है कि लतीतो जब भी केले, उबले हुए अंडे या ब्रेड जैसी सामान्य चीजें खाते थे तो उन्हें पचा नहीं पाते थे, लेकिन किसी धातु की चीज को वो बड़े चाव से खाते थे और आसानी से उसे हजम कर जाते थे। दुनिया के लोग उन्हें अजीबोगरीब इंसान मानते थे, लेकिन लतीतो खुद को सामान्य मानते और ये सब करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 1966 में इसका प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था। कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इनके करतब को देखने के लिए टिकट लेकर आते थे। लतीतो ने लोगों के सामने बैठकर पलंग से लेकर टेलीविजन सेट, कंप्यूटर, साइकिल और धातु की कई चीजें खाकर दिखाई थी। धातु से बनी चीजें खाने के लिए वो पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे और उन्हें बराबर मात्रा में पानी या मिनरल ऑयल के साथ खाया करते थे। यही नहीं, वह पेट्रोल भी पी जाते थे। पेट्रोल पीने के पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि इससे उनका गला चिकना हो जाता है, जिससे धातु की चीजें निगलने में आसानी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक लतीतो के पेट की आंतों में एक मोटी संरक्षण परत थी जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। यही वजह है कि धातु हो या कांच या रबर, बड़ी आसानी से खाकर पचा लेते थे। मिशेल लतीतो का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब साल 1978 में उन्होंने सेस्ना 150 हवाई जहाज को टुकड़ों में खाना शुरू किया और केवल 2 साल में ही, यानी 1980 तक वो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा गए। एक अनुमान के मुताबिक 1959 से 1997 तक मिशेल लतीतो ने करीब 9 टन यानी 8164 किलो धातु की चीजें खा ली थी। अजीबोगरीब चीजें खाने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 25 जून 2007 को 57 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस अजीबोगरीब इंसान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।